Hello dear student, welcome in the class of biology. In previous lecture we are discussing about chapter number 6 molecular basis of inheritance. Okay, in previous video we are discussing about the topic RNA and genetic code. Today's lecture we are discussing about central dogma, flow of current of genetic information. Okay, central dogma is a theory, okay, which are introduce us or aware us about the DNA for are transcripted into RNA and this RNA is translated into protein. Okay, so the central dogma of molecular biology is flow of genetical information from DNA to RNA and RNA to protein. What this theory said? This theory said DNA formed RNA and this RNA further formed protein. Okay, and this theory is called central dogma theory. According to this theory, they are follow in three paths. First one, unidirection flow. Unidirection flow, that means name indicate unidirection, that means a flow in a single direction, है ना? जिसमें क्या होगा? Flow जो होगा वो single direction में देखने को मिलेगा. Who proposed this theory? This theory proposed by Crick, F.H.C. Crick was the scientist who introduced this theory in year 1958 में इन्होंने ये theory दी थी और इन्होंने बोला था unidirection single direction theory है. DNA जो होता है they formed mRNA by the process of transcription. Okay, by the process of transcription. And this mRNA translation by the process of translation is converted into protein. मतलब इससे क्या पता चलता है कि DNA से RNA बनने की जो process होती है उस process को कहा जाता है transcription. Transcription the process by which DNA molecule are further formed the mRNA. This process is called transcription and this mRNA converted into protein. This process is called translation. Sorry. किसने दी थी unidirection theory? F.H.C. Crick ने दी थी 1958 में. सेकेंड जो थ्योरी थी दैट इज सर्क्यूलर थ्योरी. सर्क्यूलर फ्लो और सर्क्यूलर थ्योरी. सर्क्यूलर फ्लो नाम से पता चला है ना, सर्कल वर्क ऑन जैसे डीएनए आरएनए सिंथेसाइज करेगा, आरएनए जो है किसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन फिर आरएनए को सिंथेसाइज करेंगे और ये आरएनए डीएनए को सिंथेसाइज करेगा. ऐसे पूरा एक सर्कल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होती रहती है. दिस थ्योरी इज कॉल्ड सर्क्यूलर थ्योरी. ये किसने दी, ये थ्योरी प्रपोज की थी? बैरी कॉमनर ने. ये एक साइंटिस्ट थे बैरी कॉमनर, उन्होंने ये थ्योरी दी थी इन ईयर 1968. और थर्ड थ्योरी जो थी दैट इज द रिवर्स फ्लो. रिवर्स फ्लो. ओके, अगर इस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो थ्योरी थी ये भी कैसी थी, रिवर्स फ्लो में देखने को मिलती थी. रिवर्स फ्लो में कैसे देखने को मिलती थी? आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम एमआरएनए and this mRNA by the process of translation from protein. Okay, and this is a reverse theory. That means क्या होता है, प्रोटीन के अंदर कैपेसिटी होती है, by the process of translation they further form mRNA and this mRNA by the process of transcription they further form a DNA. Okay, this has been फॉन्ड इन रिवर्स थ्योरी. मतलब ये रिवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है. इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? इस थ्योरी को प्रपोज
साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को इन ईयर 1971 प्रपोज किया था। ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको किया था 1971 में प्रपोज किया था। दिस इज द थ्योरी ऑफ सेंट्रल डोगमा विच आर फर्दर शो फ्लो द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। ओके, आई होप सो दिस थ्री पार्ट हैज आर क्लियर्ड अबाउट यू, यूनिडायरेक्शन फ्लो, सर्क्यूलर फ्लो एंड रिवर्स फ्लो। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है रेप्लिकेशन के थ्रू देखने को मिलता है ना, और एमआरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर एमआरएनए में ब्रेक होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे देखने को मिलता है, दे आर कंप्लीटेड इन टू फॉलोइंग स्टेप। द फर्स्ट वन दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का क्या होना, एक्टिव होना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होती है ये होती है। क्या होता है, अमीनो एसिड इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेज एंड दे कैन नॉट बी एबल टू मेक अ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड जो होते हैं साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव कंडीशन में पाए जाते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि पार्टिसिपेट कर सके प्रोटीन सिंथेसिस में। तो क्या होता है कि इनको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये किससे, टीआरएनए से ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होके ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड एक्टिवेट होते हैं बाय द एटीपी, है ना। एटीपी एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंस होती है, और ये स्पेसिफिक एक्टिवेट करने का काम करते हैं एंजाइम को। कौन से एंजाइम को ये एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही कोई अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या करेगा, एटीपी के साथ प्लस एनर्जी एंजाइम्स के साथ। कौन सा एंजाइम होगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो एंजाइम होगा अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे, है ना, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके एक्टिवेशन में देखने को मिलेगा कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये अमीनो एसिड प्लस एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, प्लस फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है क्योंकि एमपीए में कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंड जो स्टेप होती है उसके अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सेकेंड स्टेज में अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा किसके अंदर, टीआरएनए के अंदर। इस स्टेज में क्या देखने को मिलता है कि ये जो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने थे, है ना, ये अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके साथ, टीआरएनए के साथ, है ना, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज को एएमपी में, और ये इस प्रोसेस के थ्रू क्या बन जाते हैं, ये फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए का ये फॉर्मेशन करते हैं, साथ साथ में एएमपी। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं, मतलब यहाँ पे चार्ज टीएनए जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, और इस समय पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है एडेनाइन ग्रुप का, ठीक है, ओएच ग्रुप में, और थ्री टर्मिनल एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बाइंड होके और बाइंडिंग करके 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का 20 डिफरेंट टाइप के टीआरएनए से फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द थर्ड स्टेज दैट इज
इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बाकी क्या होता है, इनिशिएशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। इनिशिएशन दैट मीन देयर इज अ रिक्वायर्ड ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ एमआरएनए एंड एनर्जी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी। दिस अमीनो एसाइड टीआरएनए आर इनिशिएट फैक्टर कॉल्ड IF1। इनिशिएट फैक्टर दैट मीन्स इसको IF से शो करते हैं इनिशिएट फैक्टर को, और कार से शो करते हैं IF से इनिशिएट फैक्टर। ये डिफरेंट टाइप के इनिशिएट फैक्टर IF1, IF2 है ना, ठीक है, IF3 ये सब देखने को मिलते हैं, IF3 ये देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ये सारे इनिशिएट फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स में अलग और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। ये सारे इनिशिएट फैक्टर पॉलीपेप्टाइड चेन से ब्रॉड अप होके अमीनो एसिड मिथियोनिन के साथ क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग आरएनए और इनका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सारे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ब्रॉट अप करके फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन का फॉर्मेशन करते हैं और मर्ज अप होके इस चेन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं और इलोंगेटेड करते हैं। ये पूरी जो इनिशिएशन की स्टेप होती है वो कुछ क्या होती है, कुछ अलग पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन कुछ स्टेप्स में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप जो होती है होता है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिथियोनिन। इसकी थर्ड वाला पॉइंट हम देख रहे हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो इनिशिएशन होता है वो कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है। इसकी फर्स्ट स्टेप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मिथियोनिन, फॉर्मेशन ऑफ मिथियोनिन, ठीक है। मिथियोनिन का क्या, मिथियोनिन का क्या होना, फॉर्मेशन होना है ना। मिथियोनिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मिथियोनिन होते हैं, मिथियोनिन क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्मेट के साथ, और फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ट्रांसफोमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ट्रांसफोमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसके अंदर कंप्लीट होते हैं, एफ मिथियोनिन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये जो एफ मिथियोनिन होता है ये फिर सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड स्टेप होती है अट्रैक्ट अटैचमेंट ऑफ एफ मिथियोनिन, मिथियोनिन विथ टीआरएनए। अभी किसके साथ अटैच होगा, टीआरएनए के साथ अटैच होगा, कौन, एफ मिथियोनाइन, ठीक है। ये क्या करेगा, एफ मिथियोनाइन जो होता है टीआरएनए के साथ अटैच होके और ये क्या करेगा, टी मेट टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, टी मेट एफ मेट टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। मेट का मतलब है एफ मिथियोनिन, टी आर एन ए का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और ये ट्रांसफर हो जाता है थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ एम आर एन ए विथ स्मॉल सब यूनिट मतलब 30S यूनिट, ठीक है, किसकी, ऑफ राइबोसोम, किसकी, राइबोसोम की इसमें यूनिट में क्या होता है, जुटता है। कैसे जुटता है, देखिए 30S जो होता है वो किसके साथ, एमआरएनए के साथ, एमआरएनए है ना, इनके साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे IF3 है ना,
IF3 इनिशिएटिंग फैक्टर थर्ड है ना, इनिशिएटिव फैक्टर थर्ड क्या कहता है, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, mRNA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो mRNA कॉम्प्लेक्स होता है ये किसके अंदर, GTP से GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। इसके बाद अगला जो होता है, अगला वाला होता है एसोसिएशन। फिर ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो नेक्स्ट स्टेप होती है इसके अंदर क्या होता है, फोर्थ स्टेप जो होती है इसके अंदर होता है बाइंडिंग ऑफ एफ मेट, मतलब एफ मिथियोनीन tRNA विथ स्मॉल राइबोसोम यूनिट, कैसे जुड़ते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 30S जो होता है mRNA वो आगे जाके इनके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं एफ मेट tRNA के साथ रिएक्ट करते हैं, tRNA के साथ रिएक्ट करते हैं है ना। यहाँ पे क्या होता है IF1 और IF3 है ना, ये दोनों इनिशिएटिंग फैक्टर फर्स्ट और इनिशिएटिंग फैक्टर थर्ड इसके अंदर वर्क करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है GTP GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है 30S mRNA, ठीक है 30S mRNA एफ मेट tRNA का फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए कॉम्प्लेक्स का, सॉरी कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से दो फिफ्थ वन होता है, लास्ट स्टेप जो होती है उसमें होता है एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है इसका क्या होता है एसोसिएशन होता है। और ये आपस में एक दूसरे से एसोसिएट होके किसका फॉर्मेशन करते हैं 30S mRNA एफ मेट tRNA प्लस 50S यूनिट से ये जुड़ते हैं। और 70S कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है IF3 और IF1 फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, GTP जो होती है GDP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होते हैं। इस तरीके से इसका क्या होता है ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी लास्ट स्टेप जो होती है वो होता है एलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। इसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि अब इसका क्या होता है इनिशिएट हो गए, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, न्यू का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये क्या करेंगे इलॉन्ग होंगे, मतलब अपने लेंथ में क्या होंगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स इनका क्या होगा इलॉन्गेशन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फोर्थ वन दैट इज एलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसका क्या होना एलॉन्गेशन होना, ये जो होता है ये एलॉन्गेशन में क्या हुआ, क्या रेगुलर अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे tRNA के साइड से, और ये क्या होंगे दो साइड पे tRNA की साइड पे बाइंड होके और पी साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और वो पी साइड लॉन्ग होके क्या करेगी नए न्यू साइड्स का फॉर्मेशन करती है। और इस तरीके से क्या होता है कि फर्दर न्यू साइड्स जुड़ती जाती है, और 50S राइबोसोम में न्यू अमीनो एसिड करके ये क्या करते हैं प्रोटीन्स की सब यूनिट को एसोसिएट करते जाते हैं। और इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो होती है ट्रांसलेशन की वो कंप्लीट होती है।
ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसलोकेशन. ओके, हमने आज डिस्कस किया ट्रांसलेशन के बारे में. नेक्स्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलोकेशन. ओके स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.